हम तवज्जो चाहते हैं। कभी शहर में चलने वाले ऑटो टैक्सियों कारों को ईंधन का एक आधुनिक विकल्प मिलता है। दीप प्रज्वलन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, स्वागत करें जोरदार तालियां आप सभी की। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 ऐसे भौगोलिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिनके अंदर सिटी गैस नेटवर्क को स्थापित किया जा सकता है, जिसमें हमारा सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, फिरोजाबाद है, मेरठ है, खुर्जा है, लखनऊ, आगरा, कानपुर, बड़े नए भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। तो अब आपका ये जो फैजाबाद, सुल्तानपुर, उन्नाव, ये सारे जिले जो है ये भी एक ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में, एक नए भौगोलिक क्षेत्र के रूप में आइडेंटिफाई हुए हैं। और जो ग्रीन गैस लिमिटेड आपके इस जनपद उन्नाव में गैस पाइपलाइन के माध्यम से पीएनजी सप्लाई करने जा रहा है, वो फिरोजाबाद में भी कर रहा है, सुल्तानपुर में भी कर रहा है। फिरोजाबाद सुल्तानपुर को एक एरिया माना गया है। कुछ करने वाले हैं वहाँ विश्व हिंदू परिषद के लोग राम मंदिर के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप राज्य मंत्री हैं, केंद्र सरकार में हैं और सांसद भी हैं। अभी रुक जाइए। यहाँ की स्वास्थ्य बहुत ही धड़ाम है, इस पे आप क्या कहेंगे? कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो, जो मैन पावर है वो बेहतर हो और अस्पतालों की स्थिति में और ट्रीटमेंट की जो सुविधाएं तमाम उपलब्ध है उसमें सुधार हो। मैम, धर्माचार्य जो है उनकी मांग है मंदिर, आप इससे कितना ताल्लुक रखती हैं अपनी पार्टी की तरफ से बता दीजिए। मेरी पार्टी का एजेंडा नहीं, सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश को स्वच्छ और सस्ते ईंधन की ओर लेकर जाना है, घरेलू ईंधन भी, औद्योगिक ईंधन भी और वाहनों में प्रयोग होने वाले ईंधन को भी। और इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में ऐसे तमाम भौगोलिक क्षेत्र चिन्हित किए हैं जिनके तहत सिटी गैस नेटवर्क की स्थापना की जा रही है और आज नवी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बोली प्रक्रिया के तहत चिन्हित भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस नेटवर्क की स्थापना जो की गई है उसके तहत उन्नाव जनपद में ग्रीन गैस लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ पर सिटी गैस नेटवर्क को स्थापित करें, सीएनजी स्टेशंस को स्थापित करें और घरेलू उपयोग के लिए जो प्राकृतिक नेचुरल गैस है, पीएनजी है, उसको पाइपलाइन के माध्यम से घर घर तक पहुँचाए। स्वच्छ ईंधन की दिशा में बढ़ाया गया ये एक बड़ा कदम है और आने वाले समय में वायुमंडल के प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा।